ये ज्योतिष का शब्द अभी जो हम ले रहे हैं वो पूरा पूरा ज्योतिष का क्लास नहीं है, नहीं तो ये ज्योतिष के साथ ही लेना था, जिससे क्या है कि यहां तक आते आते लग्न शुद्धि करके इसमें आप ज्योतिष में बच क्या जाएगा। क्या हुआ, मैंने आपको पंचांग जब देने के लिए बोला था उसके बाद पंचांग मेरे दिमाग में ये था कि एक दिन में किसी को समझा दो, एक दिन में पंचांग सीख जाएगा, कोई भी देखना सीख जाएगा कैसे कैसे करना है। मेरे पास आप में से ही एक दो बंधुओं का फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं ज्योतिष जानती नहीं हूं, तो मैं पंचांग कैसे सीखूंगी। ऐसी किसी आदमी ने भी बोला कि मैं ज्योतिष नहीं जानता तो मैं पंचांग कैसे सीख जाऊं। अब मैं भी, मेरे लिए फिर ये थोड़ा सा सोचने वाला मामला हो गया कि अगर कोई ज्योतिष नहीं जानता है तो पंचांग कैसे सीखेगा। तो मैंने उनको उसी टाइम बता दिया कि जो पंडित जी मंदिर में बैठे होते हैं, वास्तव में मेरे देखे जो पंडित जी जितने भी मंदिर में बैठे होते हैं उनको ज्योतिष नहीं आती, वो ज्योतिष नहीं जानते, ज्योतिष शास्त्र से अनभिज्ञ होते हैं, और मगर वो दिन देख के तो बताते हैं ना। मैं उनको देखते हुए देखता था कि ये कभी कभी देख के बता देते हैं, या कभी मेरे पास पंचांग ना हो तो मैं ही फोन करके पूछ लेता था या किसी को बता देता था, उनसे जाके पूछ लो। हम लोग जितने वास्तु या ज्योतिष वाले लोग हैं, ज्योतिष वाले बहुत सारे लोग पंचांग देखना नहीं जानते, ज्योतिष वाले बहुत सारे लोग पंचांग के बारे में ठीक से नहीं जानते, नक्षत्र योग कैसे कैसे बनते हैं ये नहीं जानते। अब जाके इतने दिनों में मैंने इस बात को जाना कि ज्योतिष वाले भी ऐसे हो सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर से सारा करते हैं और उसके बाद उस पर ज्ञान देना शुरू कर देते। फिर मैंने पंडित जी को बुलाया, उन्हीं को, और मैंने कहा कि आपको पंचांग के बारे में क्या पता है, तो मुझे वो जानते हैं, तो उन्होंने कहा आप क्यों पूछ रहे हैं मुझसे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या जानते हैं आप बताइए। उन्होंने मुझे पंचांग के बारे में बताया कि यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पर खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पर ऐसा हो जाता है, यहाँ पर ऐसा हो जाता है। उनको संक्रांति के बारे में नहीं मालूम थी मैंने, और सूर्य जो मास बदलता है वो, तो वो इसी में होता है, वो इसी में होता है। मैं समझ गया पंचांग का ज्ञान जो मैं ऐसे कह रहा था कि एक दिन दो दिन में दे दिया जाएगा, वो मैं ये वाला कह रहा था। मैं ईमानदारी से इस काम को कर नहीं सकता था, मैं अगर कोई ज्ञान दूं तो वो ढंग से ही दूंगा। फिर मैंने उसका एक एक किया कि कैसे छोटा हो सकता है, इसको और छोटा कैसे किया जा सकता है, तो छोटा ये किया ही नहीं जा सकता, आप किसी भी हालत में इसको छोटा नहीं कर सकते। छोटा करोगे तो इस शास्त्र के साथ बेईमानी करोगे, बेईमानी आप करोगे खुद के साथ ही, दूसरे के साथ तो कोई कभी बेईमानी कर नहीं पाता। इसलिए अब ये थोड़ा लंबा चलेगा ज्योतिष, इसका बहुत ज्यादा पार्ट ज्योतिष का रह नहीं जाएगा इसके बाद। इसके बाद आपको फिर कुंडलियां बनानी है, कुंडली आप कुंडली तक तो मेरे ख्याल से पहुंच ही जाएंगे देख देख के कैसे होता है पंचांग में। तो इसमें आज जितना मैं दे देता हूं ये, आज तो आपको वर्ड के बारे में बता देता हूं कौन कौन से वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं जो पंचांग शास्त्र में या ज्योतिष शास्त्र में। इसके बाद इसके हम डिटेलिंग में जाएंगे, तिथि के डिटेलिंग में जाएंगे, तिथि कैसे कैसे बनती है, फिर कैसे कौन कौन सी तिथि होती है, फिर तिथि का उसके देव कौन कौन से होते हैं, फिर हम वार नक्षत्र करण योग इनके बारे में जाएंगे, फिर हम योग बनाना समझेंगे, योग कौन कौन से होते हैं, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। अब देखिए सूर्य के बारे में थोड़ा समझिए, सोलर सिस्टम क्या है, सूर्य क्या है, सौर परिवार का राजा है, आत्मा है, सूर्य है तो हम हैं, सूर्य नहीं है तो हम नहीं है, सूर्य ठंडा पड़ गया तो हम तत्क्षण ठंडे पड़ जाएंगे, सूर्य के अलावा हम कुछ भी नहीं है। तो सूर्य नाभि है, सभी ग्रह की ये नाभि है, नेवल सिस्टम है, जो हमारे शरीर में नेवल सिस्टम है ना उसको यही ऑपरेट करता है। आप सीधा समझ लो प्राण है, सभी ग्रह का प्राण है ये, ये अगर नहीं है तो सारे ग्रह, सौर परिवार के सारे ग्रह जितने भी हैं वो खत्म, वो नहीं है। इसमें पहले जो पहले के हिसाब से जो इसका इसकी जो कक्षाएं थी वो वृत्ताकार बताई गई थी, केपलर का एक सिद्धांत है इसमें, उसके अनुसार इसकी जो कक्षाएं हैं वो लंब वृत्ताकार है। सूर्य तो हो गया, जो कक्षाएं हैं ना वो ऐसी हैं, लंब वृत्ताकार हैं। इसको जब पूरा करेंगे तो ये लंब वृत्ताकार कक्षाएं होगी जिसमें सभी ग्रह
होते हैं। ये हो गया सूर्य, ये हो गया बुध, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इसको आप ठीक से बना लेना, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये तीन ग्रह और हैं। सौर परिवार में नौ ग्रह जो होते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप ये ले लो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, एक ग्रह, दो ग्रह, तीन ग्रह, पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये नौ ग्रह हो गए हमारे, एक से लेकर नौ तक। इसमें जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो ग्रह लिए गए हैं वो एक है वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और सूर्य को, ये पांच ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में ग्रह के रूप में लिया गया है। उसके बाद क्या वर्णन किया गया है इसका, ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना, किसी भी चीज को जिस चीज को हम ग्रहण करते हैं उसके संज्ञा को ग्रह बोला जाता है, इनके प्रभावों को ग्रहण करना उनको ग्रह बोला जाता है। अब हम प्रभावों को किस किस के करते हैं, सन के प्रभाव को, मून के प्रभाव को, राहु और केतु, इसके प्रभाव को ग्रहण करते हैं। इन तीनों के प्रभाव को हम बहुत कम, ये जो है ना पूरा एक जीवन बीत जाता है ये एक चक्कर लगा पाते हैं सूर्य का, पूरा जीवन बीत जाता है, जैसे 248 साल एक का है, 168 साल एक का है, तो पूरा जीवन भी नहीं बीत पाता, हम तो 67-68 साल हमारा एवरेज एज है, तो वो जीवन से भी बहुत ज्यादा 2-3 जन्म हम ले लेते होंगे तब जाके एक ग्रह चक्कर लगा पाता है, इनका इफेक्ट हमारे ऊपर इतना ज्यादा नहीं पड़ता, तो इसको हमने ज्योतिष में नहीं लिया। इसको सूर्य का तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, ये ग्रह नहीं आत्माएं हमारी, हम ही हैं सूर्य, जो सूर्य हैं तो हम हैं। मून ये उपग्रह है, राहु और केतु छाया ग्रह है, ये करके हमारे नौ ग्रह हो जाते हैं। यहां पर अगर हम फिर एक को कर लें, ये सन ले लें और मून ले लें और फिर हमने राहु केतु ले लिया, ये चीजें मैं बता इसलिए रहा हूं कि अगर आप में से कोई ज्योतिष वाले होंगे तो शायद ज्योतिष वाले होंगे तो भी इन चीजों के फॉर्मेशन को इस हिसाब से नहीं समझते होंगे कि ये बना कैसे, इसमें से हम ले क्यों नहीं रहे हैं। अभी कई लोग इस पे ज्योतिष, कई जो नए नए निकाल रहे हैं वो इस पे जाके खेल जाते हैं, प्लूटो पे खेल रहे हैं, यूरेनस पे खेल रहे हैं कि इसका इफेक्ट इतना ज्यादा पड़ता है, इसका इफेक्ट कैसे पड़ जाएगा, बल्कि आप देखो राहु केतु का इफेक्ट कैसे पड़ता होगा, ये मैं रब कर रहा हूं। राहु केतु कैसा ग्रह है, पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा में है, आप ये समझो, उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, लंब वृत्ताकार, अब ड्राइंग को अगर परफेक्ट ना हो तो आप देख लेना उसको, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, पृथ्वी चंद्रमा के ऐसे करके करते हैं ना क्लॉकवाइज में, ये जो कट पॉइंट होता है और ये जो कट पॉइंट होता है जो सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए में आरोही क्रम में आगे बढ़ते में जो असेंडिंग नंबर में जो आगे बढ़े उसमें ये कट पॉइंट को राहु बोलते हैं और इस वाले कट पॉइंट को केतु बोलते हैं, डिसेंडिंग नंबर में जो जब कट के आगे जाए, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने धुरी पे ऐसे चक्कर लगाती है सूर्य के
और इसमें जो धुरी पे नाचती है, और ये जो कटके यहां तक, यहां से एक तो ये काटा और एक जो ये काटा, ये केतु है और ये राहु है, इसको हमने छाया ग्रह बोला। इसका कोई इतना बहुत ज्यादा, जितना हम लोग ज्योतिष में कहते हैं ना, राहु आ गया जी, केतु हो गया जी, अब तो हो गया, अब तो ऐसा हो गया, ज्योतिष पूरा विद्या ज्योतिष को इस पे खिला दिया लोगों ने कि राहु, अब फिर वास्तु में हम इसको कहां तक खींच के लाए। नवग्रह, ये नवग्रह वो उधर है, ये वाले इसमें उपग्रह वगैरह है, चंद्रमा तो उपग्रह है, चंद्रमा तो पूर्ण ग्रह है ही नहीं, उसके बाद राहु और केतु तो ग्रह है ही नहीं, ये छाया ग्रह बोल दिया गया, छाया है चूंकि चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है, और ये दोनों ग्रह मन से संबंधित ही हैं, ये दोनों ग्रह जो है ना वो मन से संबंधित ही है, ये तेजी पकड़ती है, तेजी और स्थिरता को, ये तेज हो जाए वो स्थिर कर दे, ये तेज हो जाए वो मंद कर दे, तेजी और मंदी को ही पकड़ते हैं ये छाया ग्रह। ये ज्योतिष का अगर मैं आगे लेता हूं तो उसमें और इसको मैं आगे विश्लेषण करूंगा, ये जानकारी थोड़ी आप लोगों के लिए नई होगी और इससे रिलेटेड भी है, जब हम आगे चलेंगे ना पंचांग में ही, तो कहीं ना कहीं इसका दिखाई देगा।